प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज हैं, प्रैक्टिकल्स हैं बेसिकली. तो क्या है एक्सरसाइज वन, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ओपन एन आईडी इंस्टॉल्ड ऑन योर लैब कंप्यूटर फॉर राइटिंग अ सी प्रोग्राम. सबसे पहली एक्सरसाइज में पहला स्टेप क्या है कि हमने आईडीई ओपन करना है. हमने जो है वो कोड ब्लॉक इंस्टॉल किया था सी लैंग्वेज के लेक्चर में. ये आप प्ले लिस्ट से जो है वो देख सकते हैं हमारे 10th कंप्यूटर साइंस न्यू कोर्स 2021 के फोल्डर में या सी और सी प्लस प्लस के फोल्डर में. वहाँ दो फोल्डर्स हैं, आप वहाँ से अपना कोड ब्लॉक इंस्टॉल करने का तरीका भी देख सकते हैं. कोड ब्लॉक मैंने वहाँ बहुत डिटेल से बताया है कि क्या है, क्यों यूज होता है. बेसिकली आईडीई है. अब हम चलते हैं उसको ओपन करने की तरफ. आपको इंस्टॉल करना नहीं आता या फाइंड कैसे करना है तो आप इसका लेक्चर जो है वो आई बटन में मैं लगा देती हूँ, आप वो देख सकते हैं. इसको मैं जस्ट ओपन करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल्ड है. सर्च में मैंने लिखा कोड ब्लॉक, ये क्लिक इसको किया तो ये ओपन होना स्टार्ट हो गया. राइट द फॉलोइंग प्रोग्राम इन द एडिटर एंड सेव इट एज welcome.c. राइट, उसने कहा कि ये प्रोग्राम आप जो है वो इसके अंदर लिखें और उसको उसको जो सेव करें वो किस नाम से करें, welcome.c के नाम से. तो अब हम इसके ऊपर जो है वो लिखते हैं. यहाँ से हम लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे, ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको दे रहा है. ये क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ओपन एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, यानी अगर आपका ऑलरेडी बनी हुई फाइल आपने ओपन करनी है तो यहाँ से कर लें, न्यू करना है तो हमने यहाँ से इसको क्रिएट करना है. राइट, अब वो यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है वो आपने, ये बेसिकली यहाँ टेम्पलेट्स हैं तो हम यहाँ एम्प्टी प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे और गो करेंगे. ठीक है जी, स्किप दिस टेस्ट. ये फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो इस किस्म की चीज़ें पूछेगा. नेक्स्ट करें, प्रोजेक्ट रखते हैं माई फर्स्ट प्रोजेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट. ये कंपाइलर उसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया, यहाँ हमें कुछ भी जो है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है. ये फिनिश कर दिया, ये माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया. ये बेसिकली एक कंटेनर होता है, जैसे हम इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जो कि बनानी है वेलकम वाली. डू यू वांट टू ऐड दिस न्यू फाइल इन द एक्टिव प्रोजेक्ट? यस. हमें एक्सरसाइज में बताया था कि फाइल का नाम welcome.c रखना है. ठीक है जी, अब हम ये काम करेंगे. फाइल का नाम हमने रखना है वेलकम. राइट, और एक बात आपने बहुत ही ध्यान से देखनी है कि यहाँ जो सेव एज टाइप होगी वहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी टाइप्स हैं. राइट, तो आपने कौन सी टाइप रखनी है, सी और सी प्लस प्लस फाइल. अगर यहाँ से आपकी टाइप डिफरेंट होगी तो इस आईडी के अंदर, कोड ब्लॉक के अंदर आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा. तो हमने ये वेलकम नाम लिख दिया और ये सी प्लस प्लस फाइल हमने लगा दिया. और ये हम देख लेते हैं कि हमारा कहाँ पे जो है वो सेव करेगा. डी ड्राइव के ऊपर cspySAM हमारा फोल्डर है, उसके अंदर सी प्लस प्लस और उसके अंदर माई फर्स्ट प्रोजेक्ट. यहाँ पे इस लोकेशन पे जो जाके हमारा प्रोग्राम को सेव कर देगा. राइट, तो इसको आपने ओके कर देना है स्क्रीन पे. यहाँ पे अब हम प्रोग्राम अपना लिखेंगे. ये हम इसको यहाँ से, उसने क्या कहा था, बिल्ड करते हैं पहले. ये हमने बिल्ड कर लिया. उसने कहा जीरो एरर और जीरो वार्निंग. राइट, मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा प्रोग्राम है. राइट, ये नंबर इंक्लूड stdio.h, ये वही प्रोग्राम है जो उसने हमें लिखा. थोड़ी सी मैंने इसमें मॉडिफिकेशन की है. उसने एक प्रिंट लिखा है, मैंने दो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लगा दी है. दो मैसेज हमारे जो हैं वो डिस्प्ले होंगे. राइट, अब यहाँ पे देखें, ये खाली बिल्ड है होता है इससे और ये रन होता है. और ये बटन अगर हम प्रेस करेंगे तो ये पहले हमारे प्रोग्राम को बिल्ड करेगा और फिर रन करेगा. और बिल्ड करना हर प्रोग्राम के लिए जो है वो ज़रूरी है, इसलिए जो है वो हम ये प्रेस करते हैं. पहले बिल्ड किया उसने और फिर ये हमारा प्रोग्राम इकट्ठा रन कर दिया. हेलो, आपको यहाँ से दिखा दूँ, जूम इन करके भी दिखाऊँ. ये देखें, पहले प्रिंट एफ में हमारा क्या था, हेलो वर्ड. ये उसने हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया. दूसरे प्रिंट एफ में क्या था, दिस इज़ आर फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग सी लैंग्वेज. तो ये वही फिक्रा आ गया, दिस इज़ आर फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग सी लैंग्वेज इन कोड ब्लॉक. उसके बाद जो है ये हमारी स्क्रीन जो है वो रुकी हुई है. वो क्यों रुकी हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे गेट सी एच ई जो है वो यूज़ किया है. इसलिए अगर हमने गेट सी एच ई ना यूज़ किया होता तो क्या होता, ये स्क्रीन फ़ौरन से बंद हो जाती. राइट, तो ये था हमारा प्रोग्राम. और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको लगता है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सी और सी प्लस प्लस के हवाले
और इस तरह मज़ीद कंप्यूटर के टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।